वेलकम टू स्टडी क्लासेस। टेंथ मैथमेटिक्स के आज के सेशन में हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है कि दो घन हैं जिनमें से प्रत्येक का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके संलग्न फलकों को मिलाकर एक आकृति बनाई जाती है, आकृति का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो माना घन की भुजा ए है, माना घन की भुजा ए है, तो आयतन क्या होगा, ए क्यूब बराबर 27, ए बराबर घनमूल में 27 यानी 3 सेंटीमीटर। ये घन की भुजा 3 सेंटीमीटर हो गई। अब जब हम फलक को मिलाएंगे, संलग्न फलकों को मिलाएंगे, तो जो लंबाई है घन घनाभ बनेगा, घनाभ की लंबाई क्या हो जाएगी, L बराबर A प्लस A माने 3 प्लस 3 माने 6 सेंटीमीटर। और चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि संलग्न फलकों को मिलाएंगे एक फिर दूसरा, तो लंबाई बढ़ जाएगी यानी B बराबर A माने 3 सेंटीमीटर। और ऊंचाई भी उतनी ही रहेगी यानी A बराबर 3 सेंटीमीटर। हमको आयतन निकालना है और संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। आयतन क्या होगा, एल बी एच 6 3 3 9 6 54 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन आप वैसे भी निकाल सकते हैं जी, दोनों घनों का आयतन जोड़ दीजिए तो 27 × 27 = 54। संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच, तो 2 6 × 3 3 × 3 और 3 × 6, 2 18 9 18, 2 × 36 = 45 यानी 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आप इसका संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात कर सकते हैं। काट कर आकृति निकाल दी गई है, कुछ भाग काट कर निकाल दिया गया है, कुछ भाग जोड़ दिया गया है, तो इस तरीके से जोड़कर घटाकर जैसा भी है आप उन आकृत का, जैसा आकृत कहेगा उसका आपको आयतन वक्र पृष्ठ निकालना होगा। ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। रेलवे स्टेशन का एक सेट घनाभ के आकार का है, इसका ऊपरी भाग एक अर्ध बेलन है, सेट के आधार की विमाएं 15 मीटर तथा 14 मीटर है, घनाभ की ऊंचाई 8 मीटर है, सेट के भीतर 400 घन मीटर स्थान में कुछ सामग्री रखी गई है तथा 400 यात्री ट्रेन का इंतजार भी कर रहे हैं, प्रत्येक यात्री द्वारा घेरा गया औसत स्थान 0.04 घन मीटर है, सेट के भीतर उपस्थित हवा का आयतन क्या होगा। तो अगर हम सेट का कुल आयतन निकालकर यात्रियों द्वारा घिरे आयतन और सामग्री द्वारा घिरे आयतन को घटा दें तो हमको कुल आयतन मिल जाएगा। अब समस्या ये है कि घिरा हुआ आयतन कैसे निकालें। तो आप तीन सेट समझ रहे हैं, सेट का मतलब हुआ जहाँ पे हम बैठते हैं, जहाँ बेंच लगी होती है स्टेशनों पर, तो उस सेट में नीचे एक घनाभ होगा और ऊपर एक अर्धबेलन होगा। अर्धबेलन का मतलब हुआ कुछ इस आकार का, ये बेलन होता है, ये बेलन है, ये बेलन, इस बेलन का आधा भाग माने ये अर्धबेलन, ये अर्धबेलन घनाभ के ऊपर रखकर बनाया गया इस तरीके से। तो जब इस तरीके से रखेंगे तो अगर हम अर्धबेलन का आयतन और घनाभ का आयतन जोड़ दें तो सेट का आयतन मिल जाएगा। नीचे प्राप्त यहाँ बना हुआ है, यानी ऊंचाई क्या हो जाएगी घनाभ की, 8 मीटर, चौड़ाई क्या हो जाएगी, ये हम घनाभ की बात कर रहे हैं, घनाभ के लिए ऊंचाई 8 मीटर और चौड़ाई 14 मीटर और लंबाई 15 मीटर। और अगर बेलन की बात करें तो एच क्या होगा, ऊंचाई एच ये होगा 15 मीटर और त्रिज्या क्या होगी, रेडियस, रेडियस इसका क्या हो जाएगा, ये है 14 मीटर, तो ये 14 मीटर जो है वो व्यास हो जाएगा। इस तरीके से बेलन है, इस तरीके से बेलन है, आधा है, ये जो है
ये आपका त्रिज्या होगा, यहाँ पर ये 14 जो दिया हुआ है ये पूरा व्यास हुआ है, तो व्यास दिया हुआ है हमारी त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये त्रिज्या होगी ये इतनी, और इतना होगा 7 मीटर यानी 14/2 यानी 7। ये चीज आपको स्पष्ट होनी चाहिए, अगर ये स्पष्ट नहीं है तो दिक्कत होगी। अब आप लिखेंगे शेड का आयतन, शेड का आयतन माने घनाभ का आयतन, घनाभ घन अर्ध बेलन का आयतन, घनाभ माने एल बी एच और 1/2 पाई आर स्क्वायर, एल 15, 14 और 8, 15 × 14 × 8 और घन 1/2 22/7 7 × 7 और एच हो गया 15, तो 15 × 14 × 8 गुणा कर दीजिए 14 × 8 = 112 1680 प्लस ये 2 कट जाएगा 11 बचेगा, 11 × 7 × 15 यानी 11/55 और आपका ये हो गया 16, 11, 27, 1, 2835 2835 ये हुआ सेल का। और इसमें 400 यात्री हैं, एक यात्री 0.4 मीटर क्यूब स्थान घेरता है, तो 400 × 0.04 मीटर क्यूब ये हो गया, और 400 मीटर क्यूब में सामान रखा हुआ है तो हवा का आयतन क्या होगा, हवा का आयतन बराबर शेड का आयतन, शेड का आयतन धन 400 यात्रियों का आयतन, यात्रियों द्वारा घिरा आयतन, घिरा आयतन और धन नहीं माइनस माइनस सामान का आयतन। अब आप इनको घटा के निकाल सकते हैं और क्या होगा 28, 35, 400 × 0.04 और −400 सामान का आयतन, तो ये हो गया 28, 35 − 16 − 400 तो 416 घट जाएगा 1935 यानी 2419 मीटर क्यूब आपका जो शेष वायु है उसका आयतन हो जाएगा 2419 मीटर की। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आप कर सकते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो इस तरीके के प्रश्न हो जाएंगे और यही प्रश्न पूछे भी जाते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ये देखना है कि जो आकृति दी हुई है वो कुछ आकृतियों को जोड़कर बनाई गई है या कुछ आकृति जैसे कहा जाता है कि काट कर निकाल दिया गया है, तो काट कर निकाल दिया गया है माने थोड़ा सा भाग उसमें से निकाल दिया गया है तो अब आपको घटाना होगा, जोड़ कर बनाया गया है, यहाँ चित्र दिया हुआ है तो दिख रहा है कि यहाँ एक सेट है तो घनाभ के ऊपर अर्धबेलन है तो यहाँ हमको जोड़ना होगा। तो प्रश्न थोड़ा सा टेक्निकल हो सकते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है आप आकृति बना लेते हैं तो इस तरीके के सवाल मुझे लगता है कि कहीं दिक्कत नहीं होगी। एक प्रश्न है घनाकार लकड़ी से एक पेन स्टैंड बनाया गया है, पेन स्टैंड समझ रहे हैं जिसमें पेन लगाया गया बनाया गया है, जिसमें पेन रखने के लिए चार, जिसमें पेन रखने के लिए चार शंक्वाकार गड्ढे हैं, शंक्वाकार गड्ढे हैं, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर तथा गहराई 1.4 सेंटीमीटर 1.4 सेंटीमीटर है, घन की भुजा 5 सेंटीमीटर बताइए कितनी लकड़ी लगेगी,
लकड़ी है। कैसे निकाला जा सकता है? घन के आयतन में से चार शंकु का आयतन अगर आप घटा देंगे तो आपको ये आकृति में लगने वाली लकड़ी का आयतन मिल जाएगा। घन की भुजा क्या है? घन की भुजा a बराबर 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या है? r बराबर 0.5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई या गहराई एक ही बात है, 1.4 सेंटीमीटर। तो लकड़ी का आयतन क्या होगा? लकड़ी का आयतन बराबर घन का आयतन माइनस 4 शंकु का आयतन। तो घन के आयतन में से आपको चार शंकु का आयतन घटा देना है। आप बात को ढंग से समझें। अगर इस तरीके का एक घन है, मान लीजिए ये हमने थोड़ा सा समझाने के लिए आपको बनाया है, एक लकड़ी का बॉक्स है इस तरीके से। बॉक्स क्या है? लकड़ी का एक टुकड़ा है इस तरीके से, और इसमें क्या बनाना है? चार गड्ढे बनाने। कैसे गड्ढे बनाने हैं? ये थ्री डायमेंशनल फिगर होता है, यहाँ आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। वो ऐसे गड्ढे बनाने हैं कि उनमें पेन को लगाया जा सके। तो पेन को लगाने के लिए जो आगे का भाग होगा वो शंकुआकार होगा। वही ये कहना है कि चार गड्ढे बनाने हैं। कैसे? शंकुआकार। कौन से शंकुआकार? जिनकी त्रिज्या 0.5 मीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर। तो अगर आप चार शंकुओं का आयतन निकाल के उसको लकड़ी के यानी घन के आयतन में से घटा देंगे तो आपको पूरी आकृति बनाने में कितनी लकड़ी लगेगी इसका आयतन ज्ञात हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, अन्यथा ये सवाल नहीं लगेंगे, ये बात आप जाने लगेगी। यानी ए क्यू माइनस 4 और 1/3 πr² h। ए क्यू माने 5 × 5 × 5, 4 × 1/3 22/7 और त्रिज्या हो गई 0.5 और ऊंचाई हो गई 1.4। अब आप इनको भाग दे दीजिए तो 25×5 = 125 माइनस ये 7 से कट जाएगा, 7×9 = 14 और 22/3 बाकी पूरा करिए, 4×5 = 20 2 और 5×10 = 10.1 यानी 10.2। तो 22×44 यानी क्या हो जाएगा? 125 माइनस 4.4/3 125 1.3 ये हो जाएगा 3×4=12 3×7=21 1.47 अगर हम घटा दें तो हमको मिल जाएगा 123.53 सेंटीमीटर क्यूब 123.53 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप देखिए, ये बहुत आसान सवाल था, देखने में कठिन लग रहा है। कठिन इसलिए लग रहा है क्योंकि आप समझ नहीं पाते हो। हमने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में हमने चर्चा की है, पहली बात तो आपको सभी आकृतियों के सूत्र याद होने चाहिए। आपको घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, इतने के वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, आयतन, जो भी सूत्र होते हैं, हमने इसके पहले वाले लेक्चर में, इस चैप्टर के लेक्चर 1 में हमने चर्चा की है। तो वो कॉन्सेप्ट आपको, वो आपको पूरे फार्मूले याद होने चाहिए। आकृत कैसे बनेगी, कौन सा रेडियस कहाँ होगा, ऊंचाई कहाँ होगी, तिरछी ऊंचाई किसको कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर इतना पता है तो फिर जो भी इस तरीके के सवाल आएंगे उनको आप कर सकते हैं। जैसे इसी का एक सवाल है, इम्पॉर्टेंट भी है, एक घनाकार, घनाकार नहीं, एक शंकुआकार लकड़ी के गुटके के ऊपर उसी आधार का यानी उसी त्रिज्या का एक अर्धगोला रखकर एक खिलौना बनाया जाता है, और खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए कि उसमें कितनी लकड़ी लगेगी। तो आप देखिए, बहुत आसान सा सवाल है, एक शंकु है और शंकु के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है, क्या बनाएंगे? सब लोग जानते हैं, लट्टू बना, और इसका आयतन पूछा जा रहा है, तो आप कैसे निकालेंगे? इस अर्धगोले का आयतन और इस शंकु का आयतन निकाल के जोड़ दीजिए, और इस प्रकार से आपको लट्टू में लगे हुए लकड़ी का आयतन मिल जाएगा। तो केवल आपको कॉन्सेप्ट और सूत्र याद होना चाहिए। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि कौन सी आकृति कैसे बनेगी, रेडियस कहाँ होगा,
उसकी जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है वो कहाँ होगी, तिरछी ऊंचाई कहाँ होगी, किसको कहते हैं, कैसे निकालते हैं, तो फिर आप नहीं कर सकते। तो इसलिए आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद इस तरीके के सवाल आप कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा सवाल हो सकता है कि एक कैप्सूल बनाया गया है, कैसे बनाया गया है, एक बेलन है और उसके दोनों सिरों पर अर्धगोले रखे हैं। तो निश्चित रूप से बेलन और अर्धगोले की त्रिज्या समान होगी, बेलन की ऊंचाई आपको पता हो तो इसका आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर या छायतन हो गया। इसका होता है 2/3 पाई आर क्यूब और इसका भी 2/3 पाई आर क्यूब। अब अगर आप इन तीनों को जोड़ देंगे तो आपको कैप्सूल का आयतन नहीं मिल जाएगा। यह पूछा गया कि कैप्सूल में भरी हुई दवा का आयतन ज्ञात कीजिए, तो मिल जाएगा, कैप्सूल की मोटाई ना के बराबर होगी। तो इस तरीके से सवाल आप कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। हमारे चैनल पर आप बने रहिए, हम आपको और भी महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध कराएंगे। अगर आप नए हैं चैनल पर तो स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको इस पर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप उनका बेहतर लाभ लेकर अपना सिलेबस अच्छे से तैयार कर सकें। अगले सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा हम करेंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।